हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और द रवि विद लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको हम अपना नोएडा दिखाते हैं, चलते हैं छत पर और दिखाते हैं कैसा व्यू आ रहा है। ओके दोस्तों, तो बाहर दोस्तों निकल चुके हैं और का जो है वो ताला लेने जा रही है और अब हम अपना गेट लगाएंगे रूम का और ऊपर आपको दिखाते हैं क्या व्यू आता है। ताला लग चुका है और हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर छत पे। सो दोस्तों देखो, मैं इस वाले ऐसे रूम में रहता हूँ, इस तरह सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस तरह ये सारे लोग रहते हैं, ये सबके रूम में ताला लगा हुआ है। ये दोस्तों जो है ना, ये अपने ड्यूटी गए हुए हैं आज या फिर कहीं घूमने गए हुए हैं ये लोग सब। तो फाइनली दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं, सो आपको दिखाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हल्के हल्के बूंद पड़ रहे हैं हमारे यहाँ सेक्टर 45 में। सो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। आप लोग शायद देख पा रहे हों, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। और देखो, घर घर तिरंगे लगे हुए हैं लोगों के, सभी लोगों ने तिरंगे लगा रखे हैं अपने घर पर। तो दोस्तों देख लो कितना बेहतरीन व्यू है। सेक्टर 45 नोएडा है और यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी। ये बहुत ही, ये 94, ये जो इसके बगल में एक बिल्डिंग है वो 94 सेक्टर में पड़ती है और ये 94 मंजिल की बिल्डिंग है दोस्तों। सो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरह दिखता है हमारे जिस जगह मैं रह रहा हूँ। और आपको ये दिख रहा होगा, इधर आपको एक जो दूर एकदम लाल सी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो अमेठी यूनिवर्सिटी है, नोएडा की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ये देखो, चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी आपको। सो दोस्तों, हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे ब्लॉग को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और सपोर्ट मी प्लीज़, हमें आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा ब्लॉग देखें। सो दोस्तों देख लो कितना बेहतरीन व्यू है। सेक्टर 45 नोएडा है और यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको पीछे दिखाई दे रही होंगी। ये बहुत ही, ये 94, ये जो इसके बगल में एक बिल्डिंग है वो 94 सेक्टर में पड़ती है और ये 94 मंजिल की बिल्डिंग है दोस्तों। सो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरह दिखता है हमारे जिस जगह मैं रह रहा हूँ। और आपको ये दिख रहा होगा, इधर आपको एक जो दूर एकदम लाल सी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो अमेठी यूनिवर्सिटी है, नोएडा की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ये देखो, चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी आपको। सो दोस्तों, हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे ब्लॉग को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और सपोर्ट मी प्लीज़, हमें आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर। सो दोस्तों गाइज, मैंने आपको छत के ऊपर से
दिखाया था कि किस तरह का व्यू दिखता है नोएडा सेक्टर 45। सो दोस्तों अब हम फाइनली पार्क में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है पार्क का। आपको रोटेट करके दिखाता हूँ चारों तरफ। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर, है ना ऑसम। और मैं आपको इधर ले चलता हूँ, देखिए आपको दिखाता हूँ ये सेक्टर 45 नोएडा जो बिल्डिंग है आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही हाई क्वालिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इधर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के लोग रहते हैं। ये जो है ना, ये आपको दिख रही है जो तार दिखाई पड़ रही है, जो आपको ये वाली तार, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है बिना अलाउड, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है, चारों तरफ तार लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही मंत्री लेवल के लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो अभी यहाँ पर ये जो मकान बन रहा है वो देखो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा है, आपको शायद दिखाई पड़ रहा हो। सो ये है दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा, देख सकते हैं आप। और आपको दिखाते हैं, आइए आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। फाइनली हम रोड पर जाने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये नाला बह रहा है, आप देख सकते हैं, देख पा रहे हो, और मैं इससे क्रॉस होऊंगा बहुत ही मुश्किल में। देख या क्रॉस हो गया हूँ मैं। तो आपको दिख रहा होगा ये व्यू, देखो ये रोड है, ये रोड जो है ना सेक्टर 45 से बॉटनिकल गार्डन, एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक जाता है ये रोड। आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई पड़ रही हैं, ये भी सेक्टर 45 है। इसमें अखिलेश यादव और मायावती जैसे लोगों की, बड़े बड़े हस्तियों लोगों की यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो दोस्तों अब हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि जो आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे हाईवे जो ताजमहल को जोड़ता है, ये सेक्टर 125 से होकर जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं, दिखाते हैं आपको जो आपको हमने ताज एक्सप्रेस भी बोलते हैं, जो आपको ताजमहल का एक्सप्रेस वे है उसे दिखाते हैं आपको। सामने देखते होंगे आप एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं यहाँ पर, और ये बन के तैयार हो गए, लोग इसमें रहने लगे हुए हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं दोस्तों, ओके अब आपको दिखाते हैं ताज एक्सप्रेस वे। ये देखिए दोस्तों ये ताज एक्सप्रेस वे है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये ताज एक्सप्रेस वे है। आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम से कम जो व्हीकल हैं वो 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे। अब आपको दिखाते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अमेठी यूनिवर्सिटी के पास में, बिल्कुल जस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है अमेठी यूनिवर्सिटी। ये देखिए
ये बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा अमेरिकी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई पड़ रही होगी, दूर तक आप देखिए, ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है नोएडा में, और बिल्कुल एक्सप्रेस वे हाईवे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, बिल्कुल पास में ही ये बना रखी हुई, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे ब्लॉग को। धन्यवाद। फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मिलने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।